इंडियन स्टाइल में चाउमीन बना रही हूँ, पर आपको अच्छे जरूर लगेंगे। बनाकर देखिएगा इस तरह से। थोड़े अपने जितने चाउमीन बनाने हैं आपने उतने नूडल्स लेकर के बॉईल कर लिए और ठंडे पानी से वॉश करके हमने स्ट्रेन कर लिया है ताकि ये ओवर कुक ना हो। और फिर मैंने पैन में डाला है 2 चम्मच बटर और उसमें डाले हैं मोटे कटे हुए ओनियन। इन्हें थोड़ा सा सॉल्टे किया है, बहुत इनका कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन्हें हमें थोड़ा सा सॉल्टे करना है। और थोड़े से मोटे कटे हुए शिमला मिर्च मैंने इसमें डाले हैं, फिर उन्हें भी थोड़ा सा सॉल्टे करना है क्योंकि चाउमीन में हमें जो वेजीज हैं थोड़ी क्रंची ही रखनी है। और अब हमें जितनी सॉल्टी करनी थी ये हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं टोमेटो, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ये मैंने एक साथ बना लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें नमक डाल दिया। और इसके बाद हम इसे चलाएंगे, वेजीज में मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम ये टोमेटो ग्रेवी हमारी ओनियन और शिमला मिर्च के साथ में मिक्स हो जाए इतनी सी देर चलाएंगे। अब हमारी ये टोमेटो प्योरी जो हमने इसमें डाली थी ये फ्राई होने लगी है और इसमें से थोड़ी खुशबू भी आने लगी है हमें जिंजर और गार्लिक की, तो बस अब इसे हम स्टॉप कर देते हैं। इतना ही हमें इसे फ्राई करना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे अपने नूडल्स जो हमने बॉयल करके और स्ट्रेन करके रखे हुए हैं, उन्हें हम इस टोमेटो प्योरी के ऊपर और वेजीज के ऊपर डाल देंगे। सबको थोड़ा खोल खोल कर हमें डालना है ताकि ये एकदम चिपके नहीं, थोड़े खिले खिले रहें, इसलिए थोड़े से खोल खोल करके हमने इसमें डाले हैं। और 2-3 चम्मच बटर हमने पहले ही डाल लिया था। अब इन्हें थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस और सोया सॉस। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे नूडल्स और सॉस और वेजीज को ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और थोड़ी देर हम इसे तेज़ गैस पर करेंगे ताकि थोड़ा सा इनका मॉइस्चर भी कम हो जाए। सॉस से और सबसे इसका मॉइस्चर काफ़ी बढ़ चुका है और बटर भी हमने एक लिमिट में ही डाला है, इसलिए तेज़ गैस पर हम थोड़ा सा इसका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए इसे फ्राई करेंगे। हमारे नूडल्स काफ़ी फ्राई हो चुके हैं और ऑलमोस्ट रेडी हैं सर्व करने के लिए। अब गरम गरम आप इन्हें सर्व करें और फोर्क लगा करके दें और डेफिनेटली होममेड नूडल्स आपको बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगेंगे और घर की बनाई हुई चीज़ का टेस्ट ही अलग होता है और एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। और हमें बच्चों को खिलाने में हमें ये नहीं लगता कि हम उसे कुछ जंक फूड खिला रहे हैं। घर पर बनाकर जब हम खिलाते हैं तो ऐसा लगता है हम कुछ हेल्दी ही सर्व कर रहे हैं। सो अवर चाउमीन इज़ रेडी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हेल्दी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।